पीआईए का पायलट पिशावर जाने वाली फ्लाइट को गलती से कराची ले आया। सोशल मीडिया पे वायरल क्लिप आपने भी देखा होगा और इसके मुतल्लिका बयान भी सुना होगा, लेकिन इस बयान में सच्चाई कितनी है और इस बयान में सेंस कितनी है, या फिर जिस शख्स ने यह बयान दिया और सोशल मीडिया पे मौजूद लोगों ने बगैर सोचे समझे धड़ल्ले से इस वीडियो को और इस बयान को शेयर किया, क्या उन्होंने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि क्या ऐसा होना मुमकिन भी है कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट का पायलट गलती से एक जहाज को एक रूट से दूसरे रूट के जानिब ले जाए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता भी ना चले। क्योंकि ऐसा बयान देना जहालत के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा बयान सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो कि एविएशन के कवानीन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जहाज का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाजत के बगैर जहाज का रूट बदल भी सकता है या फिर ये सिर्फ एक भोंडा मजाक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि जब भी कोई जहाज उड़ान भरता है, उड़ान से पहले जहाज को एक मुकम्मल फ्लाइट प्लान दिया जाता है। फ्लाइट प्लान के बगैर जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं मिलती। अब इस फ्लाइट प्लान में जहाज का रूट होता है, यानी कि जहाज ने किस जगह से उड़ना है, किस रूट से होते हुए किस मंजिल पर पहुंचना है, कितने वक्त में जहाज पहुंचेगा और इसके मुताबिक जहाज को फ्यूल दिया जाता है। किसी भी पायलट को फ्लाइट प्लान से हटकर कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती और जहाज जहां जहां से भी गुजरता है उसका किसी ना किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता बना रहता है। और अगर जहाज का पायलट बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाजत से जरा सी भी फ्लाइट प्लान में तरमीम करता है तो वो फौरन ट्रेस हो जाता है और उसे हदायत दी जाती है कि आप अपने फ्लाइट प्लान से हट रहे हैं। अब जिस जहाज का जिक्र किया जा रहा है, ये जहाज दुबई से पिशावर जा रहा था। जैसे ही इस जहाज ने दुबई से पिशावर के लिए उड़ान भरी, थोड़ी देर के बाद इस जहाज के अंदर एक तकनीकी खराबी आ गई और जहाज के पायलट को यह हदायत जारी की गई कि आप पिशावर की बजाय कराची लैंड करें ताकि आपकी जो फनी खराबी है उसको दूर किया जा सके और उसके बाद आप पिशावर रवाना हो सके। अब जैसे ही तैयारा कराची लैंड होता है तो इंजीनियर्स इस बात को नोट करते हैं कि फनी खराबी को दूर करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है, इसलिए जहाज के मुसाफिरों को दूसरे जहाज से पिशावर पहुंचा दिया जाता है। अब जहाज के मुसाफिरों में से किसी शख्स ने मुसाफिरों और जहाज के पायलट के दरमियान होने वाली तकरार की एक वीडियो बनाई और जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा अखज किया गया कि जहाज का पायलट गलती से फ्लाइट को पिशावर की बजाय कराची ले आया है। अब ऐसी बेतुकी बातों पर सिर्फ हंसी आती है कि लोग कैसे बेसरोपा बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब यहां पे इस मामले का दूसरा रुख भी देखते हैं, क्योंकि एक बात समझ नहीं आई कि क्या पायलट ने रूट चेंज करने से पहले मुसाफिरों को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पायलट रूट चेंज करें और मुसाफिरों को इन्फॉर्म न करे। अगर पायलट ने ऐसा किया तो उसके बावजूद मुसाफिरों ने गालम गलोच क्यों किया, और अगर पायलट ने ऐसा नहीं किया यानी कि रूट चेंज करने से पहले मुसाफिरों को आगाह नहीं किया तो फिर पायलट के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि पायलट ने अपना फर्ज अदा क्यों नहीं किया। क्योंकि पीआईए ऑलरेडी आवाम का एतमाद खो चुके हैं, लोग पीआईए में सफर करने से गुरेज करते हैं, तो इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वाकई पायलट ने मुसाफिरों को बेखबर रखा या फिर तैयारे के अंदर तकनीकी खराबी आई और पायलट ने मुसाफिरों को आगाह किया। क्योंकि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि शायद जहाज का जो पायलट था वो टुन था। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।